हेलो फ्रेंड्स, माइल्स विद मेमोरीज वेलकम्स यू। हाउ आर यू ऑल? वेल फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना पहला गिव अवे प्लान किया है और ये हम लोग देने वाले हैं आपको 100 रुपीज का पेटीएम कैश एज अ गिव अवे। आपको बस इतना सा करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करना है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हम लोगों को फॉलो करना है। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और हमारे कुछ थोड़े से सवालों के जवाब देने, जिन सब के जवाब आपको हमारे चैनल के वीडियोस में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, जूनागढ़ फोर्ट के अंदर किंग ने जो फर्नीचर मंगवाया था वो कितने साल पुराना है और कहां से मंगवाया था? दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, बीकानेर से भिवाड़ी जाते हुए रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां बहुत सारे फ्यूल स्टेशन है, उस पॉइंट का नाम क्या है? तीसरा सवाल है, करणी माता ने राव शेखा भाटी के सैनिकों को भोजन करवाया था और अपनी सिर्फ 2 रोटी और दही से भोजन करवाया था, तो कितने सैनिकों को वो भोजन करवाया था? हमारा चौथा सवाल है, पूर्णेश्वर बालाजी के मंदिर के अंदर प्रांगण में जब मैंने आपको प्रांगण का व्यू दिया था, उस टाइम पे वहां पे एक घड़ी लगी हुई है, उस घड़ी के अंदर शूट करते टाइम क्या टाइम हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। और एक मारवाड़ी वर्ड्स के ब्लॉग्स बनाए थे मैंने जो आपको पसंद भी आए थे काफी, तो आपको मुझे ये बताना है कि मारवाड़ी वर्ड भजीड़ और कबाड़ा, इनका मतलब क्या है, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों, जब हम सालासर बालाजी गए थे तब मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी बताई थी, तो आपको मुझे ये बताना है कि सालासर बालाजी को सबसे पहले चूरमे का भोग किसने लगाया था? सातवां सवाल ये है, बाबा रामदेव की पद यात्रा में जो रास्ते में सेवा लगी हुई थी वो सेवा किस साल से शुरू हुई थी? दोस्तों, आठवां सवाल ये है आपके लिए कि फोर्ट अकबरदा का नाम यही क्यों पड़ा? दोस्तों, सारे सवाल बहुत ही इजी हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगा के वीडियो देखने की जरूरत है, सारे आंसर आपको इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे। नवा सवाल आप लोगों के लिए है, ये है, लेट नाइट हंगर के लिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया था, वो देसी जुगाड़ के अंदर हमने एक इंग्रेडिएंट सिर्फ फ्लेवर देने के लिए डाला था, वो इंग्रेडिएंट क्या है? दोस्तों, हमारे गिव अवे का आखिरी सवाल आप लोगों के लिए ये है कि गजनेर पैलेस, जो कि अब होटल और रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इससे पहले वो क्या हुआ करता था? दोस्तों, ये थे आज के सवाल। आपको इन सारे सवालों के जवाब हमें ईमेल करने हैं, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गिव अवे जो है आपका सैटरडे इवनिंग तक ओपन है, सैटरडे इवनिंग तक आपके जो है हम लोग आंसर कंसिडर करेंगे, उसके बाद मंडे को हम लोग इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और आप सबके सामने ऑनलाइन आके हम लोग ई पेटीएम कैश, पहले 3 लोग जो सही जवाब देंगे उनको आप लोगों के सामने ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, शुरू हो जाइए, आंसर भेजिए, आप भी एंजॉय कीजिए, अपना प्यार यूं ही देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए सब्सक्रिप्शन के साथ में। माइल्स विद मेमोरीज लॉगिंग ऑफ फॉर द डे, सी यू सून।